Rishto.com जी मेन ऑफिस जे शानदार कामयाबी खां पोए Rishto.com जी ब्रांच ऑफिस हाने गोल मैदान निरंकारी हॉल उल्हासनगर ब में भी उल्हासनगर जे पहरे में ए कल्याण जी शहर वासिन लाए एक सुहिणी सुखड़ी आलीशान ऑफिस उहो भी कपल ए पेरेंट्स जे मीटिंग रूम सा गड ता अचो ए अज ही विजिट कयो Rishto.com सिंधियन जो सिंधियन सा ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। डेली पेज उल्हासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। महरलगांव स्थित उल्हासनगर महानगर पालिका के सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की अफवाह गलत। भाजपा विधायक कुमार आइलानी ने किया अस्पताल का निरीक्षण। उल्हासनगर शहर में पिछले कुछ दिनों से यह अफवाह फैल रही थी कि महरलगांव स्थित सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए मरीजों से अवैध रूप से पैसे वसूले जा रहे हैं। इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए भाजपा विधायक कुमार आइलानी और पूर्व नगर सेवक राजेश वधारिया ने आज अस्पताल का दौरा किया और ये दिखा कि अस्पताल में जो मरीजों के लिए मशीनें हैं वो ठीक तरह से काम कर रही है कि नहीं। साथ ही उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनकी स्थिति जानी और अस्पताल की सेवाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने मरीजों से भोजन, उपचार और अन्य सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली, जिसे यह स्पष्ट हुआ है कि शहर में फैल रही अफवाहें निराधार है। भाजपा आमदार कुमार आइलानी ने बताया कि ऐसी जो भी अफवाहें हैं वो बेबुनियाद है। आम जनता ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दे और सरकार के इस सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का लाभ ले। आज उल्हासनगर महानगर पालिका की तरफ से यहाँ पे जो कैशलेस हॉस्पिटल बनाया गया है उसका हमने अचानक से विजिट किया। हमारे पास कुछ कंप्लेंट्स भी आई कि डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट वगैरह बराबर नहीं कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में मैं और हमारे भाई राजेश वधरिया जी और हमारे पत्रकार भाऊ सभी लोग ने मिलके यहाँ पे सरप्राइज विजिट किया और देखा, और जितने भी पेशेंट्स हैं उनसे भी हमने बातचीत की। सभी लोग खुश थे, सभी से पूछा गया कोई पैसा वगैरह तो यहाँ पर नहीं भरना पड़ता है, वो सभी सेटिस्फाई थे। उनको दवाई, ट्रीटमेंट, खाना पीना हर चीज़, उनका 2D एको हो, BP हो या सिटी स्कैन, हर चीज़ की, चाहे ECG हो, सभी लोग यहाँ पे, न सिर्फ उल्हासनगर वासी लेकिन कुछ बदलापुर से पेशेंट, कुछ कल्याण से पेशेंट, कुछ और गांव से यहाँ पे सभी पेशेंट्स आए हुए हैं। मैं हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज कैशलेस हॉस्पिटल जो हमने नाम दिया था कि उल्हासनगर वाले और उसके आसपास में गाँव वालों को बेनिफिट मिले वो मिल रहा है। मैं हमारे डॉक्टर साहब का और पूरी मैनेज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ऐसे जो कार्य कर रहे हैं, धन्यवाद, जय हिंद। आज आमदार और पत्रकारों के साथ में हमने यहाँ एक सरप्राइज विजिट दी है जो उल्हासनगर महानगर पालिका के द्वारा कैशलेस हॉस्पिटल का उद्घाटन कुछ समय पहले CM साहब के हाथों से हुआ था। हम ये देखने आए थे कि यहाँ जो व्यवस्था है वो ठीक चल रही है क्या। हमने देखा कि एडमिशन के टाइम पे उनको कोई तकलीफ नहीं है, पेशेंटों को खाना अच्छा मिल रहा है, उनको हर सुविधा मिल रही है, CT स्कैन होवे और ECG हो या एक्सरे हो, और दूसरा OPD चालू है। OPD में एक साथ 5 डॉक्टर्स बैठे हैं और जिसको जिस तरह की किसी को गायनोकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, किसी को और कोई ज़रूरत है, आर्थोपेडिक की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से वो डॉक्टर के पास बेच के उनकी OPD करवाते हैं। OPD के बाद जो उनको टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो टेस्ट होती है, फिर उसको अगर एडमिट करने की ज़रूरत है तो फिर एडमिट किया जाता है और फिर आगे की जो है उनको ट्रीटमेंट दी जाती है। हम कुछ ऐसे पेशेंटों से भी मिले थे जिनको अभी डिस्चार्ज मिल रहा है, उन्होंने पूछा कि खाना कैसा मिल रहा है, ट्रीटमेंट कैसी हुई, उन्होंने सभी बातों को अप्रिशिएट किया है कि खाना भी हमें अच्छा मिल रहा है, कपड़े भी हमको अच्छे मिले, बेड और बाकी का वातावरण साफ़ सुथरा है और डॉक्टर और नर्सेज और बाकी लोग उनकी अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। मैं आमदार साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसी, और श्रीकांत शिंदे, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का, और हमारे CM साहब और DCM साहब का शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी उन्होंने चीज़ जो है उल्हासनगर में दी है, जहाँ के लिए करजत और कसारा तक के ग्रामीण इलाके में बदलापुर, कल्याण, डोंबिवली थाना से भी लोग यहाँ आ रहे हैं।